तो जो बन पड़ेगा वो आंवला की जनता के लिए हम लोग करेंगे, और आंवला की जनता जो उम्मीदें हमसे लगाए हैं उसमें हम कोई अपनी तरफ से ढिलाई नहीं करेंगे, ये उसको विश्वास दिलाते हैं। 2024 का जो परिणाम आया है उत्तर प्रदेश की जनता भी माननीय अखिलेश जी की तरफ देख रही है, इसीलिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें मिली। पहली बार मैंने देखा कि सत्ता का दुरुपयोग पूरे चुनाव में इस तरह से हुआ कि वो सत्ता के दम पे चुनाव जीतना चाह रहे थे। लगातार समाजवादी पार्टी जनता के बीच में काम कर रही है, जनता से जुड़ के काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा से, मोदी जी से पूरी तरह से जनता का मोह भंग हुआ है। मुख्यमंत्री जी वहां से कहते हैं और यहाँ पे काम नहीं होता, तो क्या कोई आपस में है कि हम वहां से बोलेंगे आप काम मत करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC भारत का खास प्रोग्राम रूबरू। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आंवला से सांसद हैं नीरज मौर्य जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रूबरू। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो है अभी पहली बार आप लोकसभा में पहुँचे हैं, इसके पहले किन किन जो है पदों पर आपने जिम्मेदारियाँ निभाई हैं? कहीं कहीं अगर देखा जाए तो BSP के लिए भी आपने काम किया, समाजवादी पार्टी के लिए भी काम किया, कर ही रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, BJP के लिए भी कभी आप जुड़े थे BJP से भी। तो यानी उत्तर प्रदेश की जो तीन प्रमुख पार्टियां हैं, कहीं कहीं तीनों का आप अनुभव धीरे धीरे ले रहे हैं, ले ही चुके हैं दो पार्टियों का, एक पार्टी का अनुभव ले ही रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिली हैं तीनों पार्टियों में, क्या कुछ अंतर हैं, किस तरह से आप देखते हैं? राजनीतिक दल अपनी आइडियोलॉजी को लेके, विचारधारा को लेके काम करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लोग राजनीति में अपना स्थान तलाशने के लिए जहां अवसर मिलता है वहां चले जाते हैं। ठीक है, मैं शुरुआती दौर में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा, बहुजन समाज पार्टी में काम किया और उसके बाद मुझे बहुजन समाज पार्टी ने टिकट भी दिया और मैं बहुजन समाज पार्टी से 3 चुनाव लड़ा, लेकिन 17 के बाद जो परिस्थितियां बनी सबके सामने हैं और इस बीच में मुझे निर्णय लेना पड़ा, लेकिन निर्णय लेने के बाद जो परिस्थितियां मैंने वहां देखी तो मुझे लग रहा है कि जिस विचारधारा से मैं आया था वो विचारधारा वहां मैच नहीं कर रही थी। BSP से मैं आया था। अच्छा, एक चीज और है सर, अगर देखे आप 2017 से अगर देखा जाए तो कहीं कहीं बीजेपी का BSP का ग्राफ भी बड़ी तेजी से गिरा है जी। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, ऐसे में जो है लोग सोचते हैं कि जो अच्छी पार्टी हो, जो कहीं ना कहीं जिसका एक बेस मजबूत हो, हम उससे जुड़े। नहीं, ऐसा है, भारत बसपा का जो कार्यशैली 17 के बाद जिस तरह से बसपा बुरी तरह से हारी और हमने 17 में बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा पार्टी जी। लेकिन उसके बाद भी 17 तक आप जुड़े थे। हाँ, मैंने 17 का। क्या कुछ चीजें आपको देखने को मिली जिससे आपको ये रियलाइज हुआ हो कि पार्टी का बेस इन वजहों से कमजोर हो रहा है 2017 में? कहीं कहीं अगर देखा जाए तो वो अपेक्षाकृत पूरी तरह से ऐसे परिणाम आए 2017 से कि मतलब धीरे धीरे पूरी तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से BSP का ग्राफ खत्म होता सा नजर आ रहा है। चंद्रशेखर रावण कहीं कहीं पश्चिमी यूपी से अगर देखा जाए तो वो स्थान ले रहे हैं। क्या कुछ चीजें रही कि BSP खत्म होती चली जा रही है? पार्टी के नेतृत्व ने जो लोग, चाहे वो OBC हो, दलित हो, और खास करके 2007 में तमाम ब्राह्मण सम्मेलन हुए थे, ब्राह्मण समाज भी जुड़ा था, उनको संभालने में नाकाम रही। और जब पार्टी के नेतृत्व से आप संघर्ष करने के लिए भी
उम्मीद करते हों और ना संघर्ष पार्टी का नेतृत्व करे ना आपको अवसर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं से लगता है कि हम राजनीति में हैं और कमरे में बंद हो गए। इन सारी परिस्थितियों में बहुत से लोग 17 में चले गए, मुझे भी संपर्क किया गया, कई बार वार्ता भी मुझसे हुई, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, हम जिस पार्टी से 2 बार विधानसभा गए हैं जी, तो फिर मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। 17 का चुनाव हम लड़े, ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद पार्टी में जब कोई बात रखना हो या मिलना हो तो सारी चीजें परिस्थितियां अपने हाथ से निकल रही हैं, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं नजर आ रहा था, ठीक है, तो फिर निर्णय लेना पड़ा मुझे जी। और 2022 में बीजेपी में आ गए? नहीं, बीजेपी में तो 17 में गया था, 22 में फिर मैं समाजवादी पार्टी साथ आया। और मैं एक सवाल आपसे करूंगा, 2017 से 22 वो टर्म था, आप बीजेपी में थे, क्या कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि बीजेपी आपने जो है छोड़ दी? क्योंकि अगर देखा जाए तो पार्टी के लिहाज से भी ठीक ठाक पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, अब धीरे धीरे 2 बार जो है सरकार रही है, 2 बार अभी सरकार चली रही है, 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, अभी तो फिर उसके बाद भी चुनाव होना है, अभी तो टाइम है। अब जब पार्टी में हम लोग शामिल हुए थे तो उन दिनों जिस तरह से बात हुई थी कि भाई पार्टी में आप आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, काम लिया जाएगा, तो काम तो वो अपने हिसाब से ले लेते थे, ठीक है, लेकिन कभी उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी। और यहाँ तक कि पार्टी का जो प्रदेश की कार्यकारिणी बनती है उसमें सदस्य तक नहीं बनाया। हम लोग 2 बार के विधायक थे, जमीन पे काम करते थे, काम किया भी है, तो मुझे लगा कि पार्टी जब कोई इलेक्शन आता है तो वो आपको ड्यूटी बता देती है, उसके अलावा कोई पूछ नहीं थी पार्टी में। और हम लोग काम करने वाले लोग हैं तो मुझे लगा कि काम करने वाले नेता के साथ रहा जाए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी भेंट हुई दिल्ली में, और उसके बाद उन्होंने मुझे 22 में चुनाव में टिकट भी दिया, ठीक है। 22 का चुनाव भी हम बहुत थोड़े वोटों से रह गया, तो उन्होंने फिर एक अच्छे नेता की तरह, उन्होंने कुछ देखा होगा, लगा होगा, उन्होंने कहा कि चिंता मत करना, हार जीत लगी रहती है, हम तुम्हें 24 में लोकसभा भेजेंगे, और उसके बाद 24 का फिर टिकट दिया। और आज की जो राजनीति, भाजपा दिखावे की राजनीति कर रही है ओबीसी एससी के लिए, लेकिन उस पे कोई जमीन पे काम नहीं हो रहा है। गांव में अधिकतर लोग एससी बीसी के रहते हैं, आज गांव में 10 साल की सरकार में मुझे लग रहा सबसे बुरा दौर गुजर रहा है जी। इतना बुरा हाल है कि ना शिक्षा की सुविधा है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है, सड़कों का बुरा हाल है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है। ऐसे में माननीय अखिलेश जी के साथ काम करके लग रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी गांव की गरीब की चिंता करते हैं। और अब तो मुझे लग रहा है 2024 का जो परिणाम आया है, उत्तर प्रदेश की जनता भी माननीय अखिलेश जी की तरफ देख रही है, इसीलिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें मिली, गठबंधन को 43 सीटें मिली। जहां एक तरफ बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 80 में 80 जीतेंगे, और जब परिणाम आए तो उनकी जमीन खिसक गई। और हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, आप भी अगर ग्राउंड पे कवरेज कर रहे होंगे, तो पहली बार, मैं बहुत सालों से चुनाव लड़ भी रहा हूं, चुनाव लड़ाए भी हैं मैंने, पहली बार मैंने देखा कि सत्ता का दुरुपयोग पूरे चुनाव में इस तरह से हुआ कि वो सत्ता के दम पे चुनाव जीतना चाह रहे थे, जबकि पहले खासकर लोकसभा के चुनाव में कभी कोई टकराव नहीं होती थी, और आम जो जनमानस था वो वोट डालने के बाद अपने घर चला जाता था। इस बार पुलिस के सहारे
हमारे क्षेत्र में ही, अगर उस दिन का आप हमारे पार्टी का पेज देखिए, मेरा पेज देखिए, तो मेरे यहाँ एक पोलिंग है ककराला, वहां पे तो महिलाओं पे लाठी चार्ज कर दिया पुलिस ने, जो महिलाएं लाइन में वोट डालने के लिए लगी थी उन पे लाठी चार्ज कर दिया। तो अब परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी को नेतृत्व देने का मन बना रही है, और हम लोग अखिलेश जी के साथ काम करके स्वच्छंद हैं, और लग रहा है कि नहीं, हम जो काम करना चाहें उसके लिए उनसे अनुमति ली दी और काम करिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं। 2017 से अगर देखा जाए तो कहीं कहीं बीजेपी का जो वो ग्राफ था वो धीरे धीरे गिर रहा है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर अगर 2022 इलेक्शन को भी आप देख लें तो उस हिसाब से चीज़ें नहीं रहीं। बहुत छोटे छोटे अंतरों से आप चुनाव हारे हैं कई सीटों पर, और बहुत बड़ा मार्जिन भी नहीं रहा है कि अगर वोट परसेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। और 2024 का चुनाव अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी ने अपना दम दिखाया उत्तर प्रदेश में। क्या कुछ चीज़ें, अभी हाल उपचुनाव भी होना है, और इन सीटों पर किस तरह की रणनीति बनाकर चल रहे हैं, और 2027 का चुनाव देखा जाए तो उसके पहले खैर पंचायत चुनाव भी होने हैं, 2027 का चुनाव देखा जाए तो किस तरह से चीज़ें जो है आप लोग देख रहे हैं, क्या कमबैक हो पाएगा, वापसी हो पाएगी? लगातार समाजवादी पार्टी जनता के बीच में काम कर रही है, जनता से जुड़ के काम कर रही है, और हम लोग लगातार क्षेत्र में रह के लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हर जगह पे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, और जो मौका उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने भाजपा को लगातार दो बार दिया, मुझे लग रहा है धरातल पे भाजपा ने कोई काम नहीं किया। और पूरी अगर भाजपा के कार्यशैली की समीक्षा की जाए, उस पर हम लोग गहनता से विचार करें, तो भाजपा काम करने में विश्वास भी नहीं करती, और जिस तरह से आज जिम्मेदार लोगों को के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस तरह के बयान आते हैं, उससे ऐसा लगता है कि केवल वोट को पोलराइज कराने के लिए हिंदू मुस्लिम करा के वो चुनाव जीतना चाहते हैं। और ये हम कह रहे हैं, जनता भी इसको समझ गई है, और उसी का परिणाम है कि 2024 में जनता ने इनको नकार दिया। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था अगर देखा जाए तो, 2022 से ही अगर देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा पकड़ रहा था कि राम मंदिर बीजेपी का मतलब सबसे टॉप पे था कि राम मंदिर बनेगा, उसके बाद चीज़ें बहुत दूसरे हिसाब से होंगी। अयोध्या वाली सीट ही गड़बड़ हो गई, क्या कुछ वजह रही, किस तरह से आप इसे देखते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बना, चुनाव के ठीक पहले जनवरी में 22 जनवरी को शिलान्यास सब सारी चीज़ें हुई, प्रधानमंत्री जी वहाँ पे पहुँचे, मुख्यमंत्री जी पहुँचे, लेकिन इसके बावजूद जो है बीजेपी वो सीट डिफीट कर गई, क्या कमियाँ रह गई? आप अगर आपका आकलन अगर देखा जाए तो किन चीज़ों की वजह से बीजेपी को वो सीट डिफीट करनी पड़ी, क्योंकि वो एक बड़ा मुद्दा था। सबको पता है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए हमारे यहाँ के उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, ठीक है, और उसी आदेश पे वहां पे मंदिर का निर्माण हो रहा है जी। और मंदिर के निर्माण के विषय में या मंदिर निर्माण का जब फैसला आया तो केवल भाजपा के लिए फैसला नहीं था, वो हम सब के लिए फैसला था, और हम सब के लिए गौरव का विषय था कि एक बहुत पुराना जो विवाद चला रहा था वो समाप्त हुआ। अब मंदिर निर्माण शुरू हुआ, मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ, भाजपा उसको कैश कराने के लिए कि नहीं साहब ये मंदिर मैं बनवा रहा हूं, और समय से पहले आनंद फानंद में चुनाव फायदा लेने के लिए वहां पे उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया। मुझे लग रहा जनता सब कुछ देख रही थी, जनता सब देख रही थी, सब जान रही थी, और हमारे देश के जो शंकराचार्य हैं उन लोगों ने भी इस बात का विरोध किया। और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी वहां आतिथ्य तो हो सकते हैं, लेकिन वहां के जो अन्य अनुष्ठान हैं मुझे लग रहा है कि वो हमारे शंकराचार्यों से कराने चाहिए थे।
इन सब विषयों को जनता ने देखा और जनता को लगा कि केवल ये मंदिर के नाम पे वोट लेने के लिए ये सब कर रहे हैं, जिसको जनता ने कतई स्वीकार नहीं किया। और अयोध्या सीट भी हारी, उत्तर प्रदेश भी हारे, और अयोध्या की सीट पहले भी समाजवादी पार्टी की रही है। समाजवादी पार्टी वहां पहले भी कई बार जीती है, और इस बार तो जनता ने एक दलित समाज के चेहरे को जिताया। और मैं तो माननीय अखिलेश जी की सोच का कायल हो गया कि उन्होंने एक सामान्य सीट पे एक दलित परिवार के व्यक्ति को उतार के और चुनाव जिताया। तो ये केवल कहने के लिए नहीं कि उन्होंने कहा कि हम पीडीए बनाएंगे, उन्होंने सही में पीडीए बना के दिखाया। और जो आज समाज में बहुत सारे लोग जो प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, आज ये चर्चा होती है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। हम भी कहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन खत्म कैसे होगा? खत्म करने के लिए मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रयास किया है, जो कदम बढ़ाया है कि जनरल सीट पे भी एक दलित समाज के व्यक्ति को लाके चुनाव लड़ा दिया, तो ये जनता ने इसको सराहा और जनता ने उनको वहां से जिताने का काम किया। प्रधानमंत्री जी की अगर बात की जाए, वाराणसी से चुनाव लड़े, वो भी पीछे चल रहे थे, और साथ ही साथ में अगल बगल की सीटों को देखा जाए तो चाहे आप जौनपुर की बात कर लें, मछली शहर की बात कर लें, इधर जो है अयोध्या की बात कर लें, पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए, सटा हुआ चंदौली देख लीजिए, आजमगढ़ है, चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे जी केंद्रीय मंत्री रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, बड़े नेता हैं, उन लोगों का चुनाव हार जाना, खासी का अगर देखा जाए तो अगल बगल की जो सीटें हैं वो डिफेक्ट कर, वो मतलब डिफीट किए, प्रधानमंत्री जी भी पीछे चल रहे थे, क्या कुछ मतलब एक, और उन लोगों का आरोप था कि एक मुद्दा बनाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, इस बार अगर सीटें आ गई ठीक ठाक, बहुमत से आ गए तो संविधान बदल देंगे, उसी को उन लोगों का आरोप था कि उसी को लगातार विपक्ष ने मुद्दा बनाया। हमारे उनके भी कई सांसदों से बात हुई, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि संविधान का एक बड़ा जो है मुद्दा बना दिया गया कि संविधान बदल देंगे, उसी आधार पर जनता जो है बहकावे में आ गई, किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए, संविधान बदलने की बात तो भाजपा ने की, अयोध्या से जो सांसद इसके पहले थे भाजपा के, उन्होंने साफ साफ बयान दिया, साफ साफ बयान दिया, और एक कोई दूसरे प्रदेश के भी सांसद है, उन्होंने कहा था कि भाई 400 सीटें दीजिए, संविधान बदलना है। ठीक है, तो जब जिम्मेदार लोग कह रहे हैं तो हमारा दायित्व बन जाता है कि संविधान को बचाने के लिए हम लोग जनता को बताएं, जागरूक करें, जनता को जगाएं कि भाई अगर 400 इनकी आ गई थी तो संविधान बदलने जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या किया गया? और देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा से, मोदी जी से पूरी तरह से जनता का मोह भंग हुआ है, क्योंकि इनको जो दो अवसर देने के बाद भी जो ग्राउंड पे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के 70-75%, 80% लोग गांव में निवास करते हैं। गांव का तिवारी जी बहुत बुरा हाल है, आप भी गांव में रहते होंगे या जाते होंगे, इतना बुरा हाल है। इन्होंने योजना लाए जल जीवन मिशन, हर घर नल, ठीक है, आज 80% गांव में सप्लाई चालू नहीं हुई, और वहां पे जो गलियां बनी थी जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लोहिया गांव बनाए थे, उन्होंने जनेश्वर मिश्र गांव बनाए थे, उन गांव में सीमेंट की सड़कें बनाई गई थी, उन सड़कों को बीच से तोड़ दिया गया, और ना गांव वालों को पानी मिल रहा है, ना सड़कें ठीक हो रही हैं, रास्ते ठीक हो रहे हैं, और स्थिति यह है कि जब बच्चे खेलते हैं तो उनको चोटें लग जाती हैं। तो लोगों को लग गया कि ये केवल बातों से गुमराह करके वोट लेने का काम कर रहे हैं, और जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए मोदी जी तो पीछे चले ही, कैसे नैया पार हो गई उनकी, लेकिन उनके सराउंडिंग एक भी सीट भाजपा नहीं जीती है, यानी कि उनकी स्वीकारिता कम हुई है, मोह उनसे भंग हुआ है, ये पूरा पूरा प्रमाण है इस बात का। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप देखें तो ये 2000 अभी जो ये चुनाव होना है, उपचुनाव जो होना है, 2027 की बात तो बाद में आएगी, उपचुनाव में ही अगर देखा जाए तो सभी सीटों पर ऐलान हो गया कि चुनाव होना है, डेट भी आ गई, डेट अनाउंस कर दी गई, मिल्कीपुर सीट अभी रोकी गई है, क्या कुछ वजह, आपको क्या कुछ वजह लग रहा है कि मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव
अभी उस पर जो है रोक लगा हुआ है। अब चुनाव आयोग ने ये कहा है कि कोर्ट में कोई प्रकरण है, अब टेक्निकलिटी पे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां से जो 2022 में विधायक चुने गए, आज वहां पे कोई विधायक नहीं है, तो अब कोर्ट में ऐसा कोर्ट ने कोई रोक तो लगाई नहीं है, इसलिए उनको चुनाव कराना चाहिए। और ऐसे पिछले क्या लगता है आपको, कुछ सत्ता का प्रेशर तो नहीं है? कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मिल्कीपुर फिर हारेंगे तो फिर एक अयोध्या का बड़ा संदेश जाएगा, तो कुछ टालने का हो सकता चल रहा हो। एक चीज ये बताइए सर, अगर इसी तरह से सब सारी चीजें चलती रहें तो ग्राफ तो आपका बढ़ ही रहा है, 2027 का चुनाव किस तरह से आप देख रहे हैं, 2027 में किन एजेंडों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे जिससे जो है प्रदेश में आपकी वापसी हो सके? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया PDA, और उन्होंने हमें हर जगह पे ये कहा कि NDA को PDA ही हराएगा। PDA का जो उन्होंने फार्मूला दिया, उसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और वो अगड़े जिनको समाज में वो स्थान नहीं प्राप्त है जो औरों को प्राप्त है, तो मुझे लग रहा है ये सारे लोगों को जगाने के लिए भी एक मैसेज है। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो इनको जो है माता प्रसाद पांडे जी को आगे लाया गया है, बिल्कुल लाया, तो कहीं ना कहीं जनरल समाज को भी एक मैसेज देने की बोली। अगड़े भी हैं उसमें, PDA में अगड़े भी हैं, तो और समाजवादी पार्टी मुझे लग रहा है सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज के लोगों को देखिए, हमारे साथ MP भी सर्व समाज के लोग बने हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, तो सबको अवसर दे रही है। और PDA पंचायत के माध्यम से हम लोग जनता से जुड़ रहे हैं, और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई अगर किसी परिवार के साथ जाती होती है, कहीं कोई घटना घटती है, तो मुझे लग रहा सबसे पहले समाजवादी पार्टी वहां पे जाके खड़ी होती है। और ऐसे ही नहीं खड़ी होती है, माननीय अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी फंड से लोगों को आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। अभी मोहनलालगंज में एक दलित की हत्या कर दी गई पुलिस कस्टडी में, सबसे पहले वहां समाजवादी पार्टी पहुंची, दूसरे दिन फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता लगा तो उस विधवा महिला के लिए उन्होंने अपने पार्टी से एक चेक भी भिजवाया। जो काम सरकार को करना चाहिए वो पार्टी विपक्ष की पार्टी कर रही है, और सरकार जहां पे इस तरह की घटनाएं हो रही उसमें भेदभाव भी कर रही है। अगर कहीं पर भी कोई हत्या की जा रही है तो वो किसी भी रूप में हुई हो, अभी बहराइच में जिस तरह से एक राम गोपाल लड़का उसकी मर्डर हुआ उसका, तो उसके परिवार को बुला के फौरन योगी जी मिले, कोई मुझे ऐतराज नहीं है, जान किसी की भी जाए सबकी जान कीमती है, ठीक है, लेकिन मोहनलालगंज के उस दलित परिवार को भी अगर बुला के बात कर लेते तब तो लगता सबका साथ सबका विकास है। तो ये सारी घटनाओं को जनता पूरी नजर लगाए है, जनता देख रही है, और समाजवादी पार्टी इसी तरह से काम करके उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में सरकार बनाएगी और जन कल्याण के काम करेगी। हमारा आखिरी सवाल है आपसे, तमाम जो है राजनीतिक बात हुई, आपके पार्टी की बात हुई, अन्य पार्टियों की बात हुई, दो चार महीने हुए आप भी सांसद चुनकर आए हैं समाजवादी पार्टी से, 5 सालों में क्या कुछ एजेंडा लेकर चलेंगे कि आंवला की जनता के लिए हमें ये चीज़ों को करना है, इन चीज़ों को प्रायोरिटी पर आप रखना चाहेंगे, जो कमियाँ आपको दिख रही होंगी कि इन कमियों को सबसे पहले पूरा करना है, क्योंकि आंवला की जनता ने आपको चुना है तो आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते किन कामों को सबसे पहले पूरा करना चाहेंगे? आंवला लोकसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और पूरी तरह से वो ग्रामीण इलाका है, शहर का कोई हिस्सा नहीं आता उसमें, 2 जिलों से बनके आंवला बना हुआ है। अभी बाढ़ के दौरान मैं क्षेत्र में जहां जहां बाढ़ आई गया
और उसके अलावा भ्रमण कर रहा हूँ तो बड़ा बुरा हाल है, सड़कें खराब हैं, बिजली आ नहीं रही है और स्कूलों का बुरा हाल है। मैंने एक हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया, उस हॉस्पिटल में भी 5% हिस्से में कुछ लोग काम कर रहे हैं, वहां डॉक्टर नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाया बदायूं में, उस मेडिकल कॉलेज में भी बुरा हाल है। तो इन सब पे हम लोग लगातार जिन विभागों से काम होने चाहिए वहां पत्राचार कर रहे हैं, और कैसे काम हो इसके लिए मैं अधिकारियों से मिल भी रहा हूँ, क्योंकि सरकार विपक्ष की बैठी हुई है। अब सरकार उस पे किस तरह से, जैसे अभी योगी जी ने कहा कि सारे MP MLA अपने प्रस्ताव दे दें, ठीक हमने सबसे पहले प्रस्ताव देने का काम किया है। अब उन है। प्रस्तावों पे कितना वो काम करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। और मैंने तो बरेली की मीटिंग में, जहां सारे सड़क बनाने वाले अधिकारी DM सब लोग बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई 7 साल से मैं सुन रहा हूं गड्ढा मुक्त कर दो, गड्ढा मुक्त कर दो, लेकिन अभी तक तो राजधानी के गड्ढे मुक्त नहीं हो पाए, बरेली शहर के गड्ढे मुक्त नहीं हो पाए। तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए, मुख्यमंत्री जी वहां से कहते हैं और यहाँ पे काम नहीं होता, तो क्या कोई आपस में है कि हम वहां से बोलेंगे आप काम मत करना? तो कोई सटीक जवाब तो आया नहीं ना, कोई काम हुआ 10 अक्टूबर उन्होंने दिया था, अब शायद फिर 31 अक्टूबर उठा दिया है। तो आंवला के छोटी छोटी समस्याओं को हमने सदन में भी उठाया है, अगर आपने देखा हो ठीक है। सदन में भी बराबर मैंने बात रखी है। केंद्र सरकार की जो समस्याएं हैं केंद्र के मंत्रियों से बात कर रहा हूं, आज भी मैं यहां हूं, प्रयास कर रहा हूं कि एक दो लोगों से भेंट हो जाए, तो जो बन पड़ेगा वो आंवला की जनता के लिए हम लोग करेंगे। और आंवला की जनता जो उम्मीदें हमसे लगाए है उसमें हम कोई अपनी तरफ से ढिलाई नहीं करेंगे, ये उसको विश्वास दिलाते हैं। NBC भारत को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आंवला से सांसद नीरज मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ने जिन चीज़ों के लिए उनको चुना है वो उन कामों को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखेंगे, आंवला की जनता को कभी निराश नहीं होने देंगे। साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी की किन नीतियों को जो है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर लागू किया गया है, और अगर देखा जाए तो देश में किस तरह से तमाम जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद, राम मंदिर के बावजूद, समाजवादी पार्टी ने जो है अपना वजूद उत्तर प्रदेश में स्थापित करके दिखाया, इस पर इन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, जो अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC भारत।